हड़की चुड़ैल एक ऐसी खतरनाक भूतिया शक्ति होती है जिसकी नज़र आपके ऊपर एक बार भी पड़ जाए ना तो फिर उससे नज़र कभी हट नहीं पाएगी, चाहे वो आपके सामने हो या ना हो। आपको हर पल ये महसूस होता रहेगा कि हर इंसान के शरीर में हड़की चुड़ैल प्रवेश कर गई है। आपको फिर कोई भी इंसान नॉर्मल दिखाई नहीं देगा, हर जगह वही चुड़ैल दिखाई देगी। इसी चुड़ैल की एक घटना घटी ग्वालियर में रहने वाली विजेता नाम की लड़की के साथ आज से कुछ साल पहले। आइए जानते हैं जिया की जुबानी की ये घटना कैसे एक साधारण सी लड़की के साथ इतने खतरनाक तरीके से घट गई। भाई ये जो घटना घटी थी ना विजेता के साथ, जब वो क्लास 12th में थी उस टाइम पे घटी थी। जैसे तुमने बताया ग्वालियर की रहने वाली है, ग्वालियर में जो एयर बेस है ना वहाँ पे ये अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसके डैड एयर फोर्स में है और इसके मॉम और ये वहीं पर उसकी वजह से रहा करते थे। इसका जो पढ़ाई लिखाई है वो भी वहीं पे ही चालू था, ऐसा वाला था। इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी सब कुछ कट रही थी, ये भी मस्त अपने कॉलेज जाती थी, इन्जॉय करती थी, मॉम भी अपना काम वॉम में लगी रहती थी, अपने डैड का तो काम ऑलरेडी था ही, सब कुछ अच्छी खासी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इनका क्लास 12th ख़त्म होने वाला था, लगभग ख़त्म ही होने वाला था, एग्ज़ाम इनके आते थोड़े दिनों में और एग्ज़ाम दे के क्लास 12th ख़त्म होता, उसके बाद ये कहीं और, इसके दोस्त लोग कहीं और, सबकी अपनी मंजिल अलग अलग हो जाती। उसी बीच में इनके क्लास में रहने वाला एक लड़का था मिहिर, उसका बर्थडे पड़ता है, उसी बीच में बर्थडे होता है। तो मिहिर का बर्थडे होने की वजह से सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि इस बार मिहिर कहाँ बर्थडे पार्टी देगा। मिहिर जो था एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसकी जो भी पार्टियाँ होती थी ना वो अच्छा रिजॉर्ट या कुछ अच्छी जगह देखता था, सिलेक्ट करता था, वहाँ पे रिजॉर्ट बुक करके अपनी पार्टी रखता था और जितने भी इसके दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स थे इसके कॉलेज के, सबको बुलाता था और वहीं पे इनकी पार्टी होती थी। हर साल का ऐसा ही था। तो इस साल भी विजेता और जितने भी दोस्त थे सब बहुत एक्साइटेड थे कि इस बार मिहिर कहाँ पे कैसे पार्टी करने वाला है। ऐसा ही होता है जब मिहिर का बर्थडे वाला दिन आता है तो सब लोग ऐसे उसको बर्थडे विश तो कर ही थे, एक दिन पहले भी कर लिए थे क्योंकि ये काफी साल पहले ही कहानी है। तो उस टाइम पे ना वो वाला फोन होता था, टेक्स्ट बुक करने वाला फोन, कीपैड वाला, छोटा वाला। हाँ, तो कुछ लोगों ने उसमें मैसेज करके बोल दिए थे, विजेता ने भी उसमें मैसेज करके बोल दी थी। लेकिन अभी ये लोग सोचते थे कि इस बार बुला नहीं रहा है, इस बार कहाँ बर्थडे मनाने वाला है, या बर्थडे मनाएगा भी कि नहीं मनाएगा। सब लोग टेंशन में थे क्योंकि आधा दिन निकल जाता है उसका बर्थडे वाला, वो किसी को फोन करके बुलाता नहीं है। ये लोग सोचते हैं कहीं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेचारा कोई गम या दुख में तो नहीं है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहा है। हर साल तो करता ही है और अच्छे से करता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम तो। ये मतलब अपना सब लोग अपने अपने में लगे हुए, सोचे थे बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे का टाइम होता है, सबके पास मिहिर का कॉल जाता है, कॉल करता है और बोलता है कि फटाफट घर से निकलो और इस लोकेशन में पहुंचो। ये लोग बोलते क्या बात कर रहा है, इतने बजे कैसे पहुंचे हम लोग, पहले लोकेशन की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, हाँ इसलिए लेट बोले हैं। फिर तो विजेता बोलती है भाई बहुत लेट हो गया है, कैसे पहुंचेंगे इतने बजे, बहुत मुश्किल हो जाएगी और मैं आऊंगी कैसे, ठंड का टाइम चल रहा है, अच्छा खासा कोहरा होता है इस टाइम पे, रात का टाइम है। बोलता है मेरे को कुछ भी नहीं पता, तुम लोग को आना है मतलब आना है, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो तुम लोग नहीं आओगे तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करूंगा। अब क्या है, विजेता सोचती है मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके घर वाले ना इसको कभी किस चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं थे, तो अपने मॉम डैड से शेयर करती है बातें, अपने मॉम को बोलती है कि मुझे जाना है मिहिर के बर्थडे में और यहाँ पे इस रिजॉर्ट में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, तो मुझे बुलाया है तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मॉम बोलती है तू श्योर है अकेले जा सकती है, अगर नहीं जा सकते तो कोई अंकल या किसी को पहचान वालों को भेज देंगे साथ में। बोलती है नहीं नहीं मॉम, मैं अपना बाइक चला के मस्त पहुँच जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या था कि उसके 18 साल होने के बाद कुछ ही महीने पहले उसके घर वालों ने उसको बाइक दिलाए थे, क्योंकि उसको बचपन से ही बाइक का शौक बहुत ज्यादा था। उसके मॉम को भी पता था कि उसको बाइक कितना पसंद, उसके डैड को भी पता था, तो उन्होंने उसको बाइक दिलाए थे, बहुत खुश थे। जब से उसको बाइक मिला था कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाया करती थी, मस्त अपना ड्राइव करते हुए कहीं पर भी, कॉलेज भी जाती थी अपने बाइक से ही जाती थी, एकदम स्वैग वाली लाइफ उसकी चल रही थी। तो सोचती है कि मैं अपने बाइक से ही जाऊंगी, मॉम को बोलती है अपने बाइक से निकल जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मॉम बोलती है बहुत कोहरा है, दिक्कत हो सकती है ड्राइव करने। बोलती है मॉम मैं इतने टाइम से चला रही हूं, कोई दिक्कत हुई है क्या अभी तक? नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। अपना फटाफट रेडी होती है और रेडी होके ये 11:30 तक अपने घर से निकल जाती है उस जगह पे जाने के लिए। वो जगह की जो दूरी थी ना लगभग 15 किलोमीटर, इतनी दूरी थी लगभग 15 किलोमीटर, और ये इतने रात में जा रही थी।
और अभी कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो ये अपना बाइक ना थोड़ा स्लो स्लो ही चला रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रही थी कि कोहरा में कोई सामने आ गया पता भी नहीं चलेगा। तो मीडियम स्पीड में अपनी बाइक चला चला के मस्त जा रही थी। अभी ये लगभग पहुँचने ही वाली थी, शायद मुश्किल से 3-4 किलोमीटर इतना दूर बचा होगा पहुँचने ही वाले, तभी वो क्या पाती है कि जो रोड के साइड में जो डिवाइडर का नहीं बना रहता है, वो सीमेंटेड बना रहता है जो साइड में, जिस पे मतलब बहुत सारे लोग बैठते हैं जिनका घर वर नहीं होता। अच्छा, वो फुटपाथ वाला है। हाँ हाँ हाँ, फुटपाथ। तो वहाँ पे ना देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। अच्छा। और वो बूढ़ी औरत ना कुछ भी सॉल ओल नहीं ओढ़ी है, कुछ भी नहीं, ना स्वेटर पहनी है ना सॉल ओढ़ी है, और ऐसे कांपते हुए ऐसे करके वो बैठी हुई है साइड में। ठंड का टाइम था, ठंड का कोहरा है ना पूरा, कितनी ठंड होगी। और तो ये सोचती है कि यार बेचारी इतनी ठंड में बैठी है, स्लो स्लो बाइक चला रही थी, अच्छे से उसको देख पा रही थी। तो ये सोचती है कि मैं इतना जैकेट पहनी हूँ, मैंने अपना बैग में सॉल भी रखी हूँ, और बेचारी इतनी ठंड में ऐसे बैठी है, बेचारे गरीब लोगों की लाइफ कैसी होती है, यही सब सोचते सोचते उसका बाइक थोड़ा आगे तक निकल जाता है। लेकिन थोड़ी सी आगे, 2 कदम आगे निकली थी बूढ़ी औरत से, सोचती है कि नहीं यार मुझे ना इसको सॉल दे देना चाहिए, बेचारी ओढ़ लेगी तो थोड़ा सा उसको अच्छा महसूस होगा, बहुत ठंड लग रही होगी। तो अपना बाइक वहीं पे खड़ी करती है और अपना सॉल अपने बैग से निकाल के ले जाके उस बूढ़ी औरत को ऐसे देती है, बोलती है कि दादी आप ये सॉल ओढ़ लो, आपको बहुत ठंड लग रही है ना, आप इतने परेशान हो, आपका घर कहाँ है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो ऐसे साइड में ठंड में, आपको कुछ खाना वाना तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको कुछ खाने के लिए भी ला दूंगी खरीद के। तो जो औरत थी ना, वो औरत कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रही थी, वो ऐसे बस ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे बैठी तो मतलब ऐसे बैठी हुई है। ये बोलती है क्या हुआ दादी आप ये सॉल ले लो, तो भी औरत कुछ नहीं बोल रही है। ये सोचती है कि एक काम करती हूँ, शायद इसको सुनाई नहीं देता होगा, बहरी होगी बेचारी, तो एक काम करती हूँ सॉल साइड में रखती हूँ और वहाँ से निकल जाती हूँ। वो सॉल जो है ना, ये बूढ़ी औरत बैठी है और यहीं पर साइड में रखती है, और वहाँ से ये जैसे ही निकलने के लिए मुड़ती है और अपने बाइक के पास जाने के लिए, वैसे ही उसके कंधे पर कुछ बहुत ज़ोर से महसूस होता है, जैसा कि कोई कूद के उसके कंधे पे बैठ गया हो, ऐसा कुछ महसूस होता है। अब उसका जो दर्द था ना पूरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कौन इतने ज्यादा प्रेशर साथ मेरे कंधे बैठ गया, ऐसा देखने की ऐसा कोशिश भी करती है, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसको प्रेशर महसूस हो रहा था। तभी उसे अचानक से ऐसा महसूस हो, कोई मेरा गला दबा रहा है, बहुत जोर से गला दबा रहा है, ये बहुत सडन होता है, उसने बिल्कुल भी पहले सोच के नहीं रखी थी कि मतलब कुछ ऐसा हो भी सकता है। तो ज़्यादा घबरा जाती है, और इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसको पसीना पसीना आने लगता है। अब समझ लो कि मतलब तुम ऐसा नॉर्मल किसी की हेल्प करने गए हो और वहाँ पे तुम्हारे ऊपर कुछ अटैक हो जाए, तो तुम प्रिपेयर थोड़ी रहोगे इस चीज़ के लिए। सही बात है। इतनी ज्यादा घबराई हुई थी बेचारी, अभी वो ऐसे गला दबा रहे, कोई ऐसा महसूस हो रहा है, पीछे मुड़ के ऐसे देखती है तो क्या पाती है कि वही बूढ़ी औरत मेरे कंधे पे बैठी हुई है, जो अभी तक ऐसे कांपते हुए एकदम मरीले से नीचे बैठी हुई थी, वो उसके अभी कंधे पे बैठी हुई। ये पलटी है और वो इसके कंधे पे कूद पड़ी, मतलब कूद पड़ी, और उसका कंधा प्रेशर महसूस हो रहा था, उसके वजह से गला में दबाना महसूस हुआ, और जैसे वो वापस से मुड़ के देखी, उसको दिखा कि वही बूढ़ी औरत बैठी हुई है। अब वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि चिल्लाने लगती है, छोड़ो छोड़ो, ऐसा कर रही, आवाज़ भी नहीं कर रही, इतने जोर से गला दबा रही है, छोड़ो मुझे छोड़ो, बहुत छोड़ो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा सारी चीज़ें बोल रही है और बहुत ज़्यादा तड़प रही है। जैसे उसको लग रहा था अब मेरी सांसें रुक जाएगी, अब मैं नहीं बच पाऊँगी, उसको अपना होप खो दी थी, उसको लग गया था कि अब मैं शायद बचूंगी नहीं, ख़त्म हो जाऊँगी। तभी अचानक से एक गाड़ी की रोशनी उसके फेस पर पड़ती है, ये लड़की, इस लड़की के फेस पे, जैसे कोई कार से इसके पास आ रहा हो, और कार एकदम झटके में उसके पास आती है और कार उसके पास रुकती है, और उस कार से निकलते हैं 2 लड़के। वो दोनों लड़के भागते हुए इसके पास आते हैं, और जैसे वो लड़के इसके पास आते हैं, इसके जो कंधे पे प्रेशर था और जो गला दबाने का प्रेशर था पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, और ऐसे गिर जाती है। अभी ये इतनी पूरे पसीने से तरबतर हो गई थी, पूरा ऐसा लग रहा था कि शायद ये ख़त्म ही होने वाली है। वो लड़का, दो लड़कों में से एक जो लड़का था, भागते हुए जाता है, अपने कार से पानी निकाल के लाता है और उसको देता है, ये कैसे कैसे करके हफ्ते हफ्ते पानी पीती है। पानी पीने के बाद लड़के लोग पूछते हैं, अरे क्या हो गया, क्या कर रही थी तुम, खुद को मारना क्यों चाहती हो? ये बोलती है, मैं कहाँ मारना चाहती हूँ, उसकी आवाज़ भी निकल रही थी। लड़के लोग बोलते हैं, अरे हमने देखा दूर से आते टाइम, कार से देखे कि तुम अपना गला दबा रही हो, खुद को मारने की कोशिश कर रही हो। ये बोलते हो क्या बात कर रहे हो आप,
ये ऐसा बोलती है, मैं क्यों अपना गला दबाऊंगी? वो लोग बोलते हैं कि हमने देखा, हम अंधे थोड़ी हैं, हमारे आंख से देखा है हमने। तुम अपने ऐसा पकड़ी थी अपना गला, दोनों हाथ से जोर से दबा रही थी। ये बहुत घबरा जाती है, बोलती है कि आप नहीं समझोगे, बहुत कुछ बुरा मैंने महसूस की हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं शायद आप नहीं आते मैं बच नहीं पाती, उनको घबराते हुए बोलती है। लड़के लोग बोलते हैं कि आपको कहीं जाना है, छोड़ दें हम आपको, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लड़के लोग पूछते कोई तकलीफ है क्या, ये बोलती है नहीं, कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो अब नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब उसको ना थोड़ा लड़के लोगों से लग रहा था कि बात करूँ ज़्यादा या नहीं करूँ, अकेली थी ना भी ये बेचारी, तो ऐसा था। तो लड़के लोग बोलते हैं आपको और पानी चाहिए, कुछ चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, हम आपको कार से छोड़ देंगे, हॉस्पिटल जाना तो हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे। ये बोलती है नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। ये लड़के लोगों को थैंक यू बोलती है पानी के लिए, अपने बाइक पर बैठती है और बाइक स्टार्ट करके कैसे भी हिम्मत बना के उस लोकेशन में पहुंचती है जहां पे पार्टी हो रही थी, उस रिजॉर्ट तक पहुंचती है। वहां पे पहुंचती है तो दोस्त लोग पूछते हैं क्या हो गया, तेरी हालत इतनी ख़राब क्यों लग रही, इसके बाल और पूरे उजड़े हुए थे और अजीब सा वो उसका फेस पूरा उतरा हुआ था, सब कुछ इसकी जो फेस का रौनक था पूरा चला गया था। तो ये बोलती है कि कुछ नहीं, बस शायद तबीयत ख़राब लग रही है, बताती नहीं है उनको, सोचती है कि अगर मैं बताती हूँ तो मिहिर का बर्थडे है, उसका बर्थडे भी ख़राब होगा और सब लोग परेशान हो जाएंगे और कोई भूत उसे डरता होगा, शायद मैं जहाँ तक श्योर हूँ कोई भूत प्रेत ही थी वो, कोई डरता होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, बोलती है कुछ नहीं तबीयत ख़राब थी। तो वो लोग बोलते हैं चल 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 अंदर चल, डांस करेंगे पार्टी करेंगे, बोलती है हाँ चलती हूँ। ये लेके जाते उसको अंदर, सब लोग मस्त वहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ था, सब लोग डांस कर रहे हैं अपना इन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि एक साइड में मतलब दीवार साइड में कोने में एक कुर्सी लगा हुआ था जहाँ पे टेबल और कुर्सी थे, सब कुछ खाने पीने की चीज़ें बनी हुई थी, वहाँ पे बैठ जाती है। ये अंदर अंदर बार बार वही सोच रही थी कि वो औरत थी कौन, मैं तो उसकी नॉर्मल मदद करने गई थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके दिमाग में बार बार यही थॉट्स आ रहे हैं, वो बहुत घबराई हुई है। तभी अचानक से, अब ऐसे घबराई हुई सोच ही रही है सारी चीज़, तभी अचानक से उसके जस्ट सामने एक विंडो था, बाहर निकलने जैसे बाहर का गेट है इस तरफ और इस तरफ एक विंडो है बड़ा सा, वहीं पर क्या देखती है कि जो बूढ़ी औरत मुझे रास्ते में मिली थी वो साइड में म्यूजिक पे डांस कर रही है, उसी पार्टी में वो कोने में खड़ी होकर बूढ़ी औरत डांस कर रही है। भूत की क्या थी? अब ये घबरा जाती है, इतनी ज्यादा घबराती है कि इसकी चीख निकल जाती है, इसकी चीख निकलती है, सब लोग भागते हुए आते हैं, म्यूजिक बंद करते हैं, बोलते हैं कि क्या हुआ। ये बोलती है मुझे मत देखो, वो देखो वहाँ पे विंडो के पास कौन है बूढ़ी औरत, क्या कर रही खड़े होके। ये लोग बोलते कौन सी बूढ़ी औरत, क्या बात कर रही है तू, वो अपनी दोस्त समीक्षा है। तो ये बोलती है क्या समीक्षा है, मतलब क्या है, वो बूढ़ी औरत वहाँ पे देखो तुम लोग, बोलते पागल हो गए क्या, तो समीक्षा को नहीं पहचानती है। तो ये बोलती है कि फिर ध्यान से देखती, बोलती हाँ ये तो समीक्षा है। तो ये लोग बोलते क्या हो गया तुझे, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है और तू इतना घबरा क्यों रही है, समीक्षा को देखिए कैसे तू घबरा सकती है। ये बोलती है कि पता नहीं, तो बोलते तू बता कुछ तो बात हुई है, मिहिर और सारे दोस्त लोग बोलते कुछ तो बात जो तू हमसे छुपा रही है, बता क्या हुआ क्या है। ये फिर बताती है कि एक्चुअली मैं आ रहे थे रस्ते में और क्या क्या हुआ। जब दोस्त लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, अब काहे की पार्टी, सब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इसकी बात पे उनको यकीन भी होता है क्योंकि ये बहुत सेंसिबल लड़की थी, बहुत शांत और अच्छी लड़की थी हमेशा से, तो लोग सोचते हैं कि झूठ तो नहीं बोलेगी, हमेशा से सच बोलती और अच्छे से रहती है, झूठे और प्रैंक तो नहीं करेगी, इसकी हालत भी देख के प्रैंक करने वाली नहीं लग रही है। तो दोस्त लोग बोलते क्या बात कर रही है यार, मतलब तुझे यहाँ पर भी दिखाई दी, मतलब अगर वो प्रेत आत्मा है तो यहाँ पर भी आ चुकी है वो। दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं, बोलती है पता नहीं यार, ये रोने लगती है फूट के, बोलते तू रो मत, एक काम कर पानी पीने के लिए देते हैं। अब ये लोग क्या पार्टी करें, ये लोग चुपचाप अपना बैठे बैठे बात करते करते ही अपनी पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह के जब 4:30 बजे का करीब का टाइम होता है तो मिहिर और बाकी दोस्त लोग क्या बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हमारी गाड़ी से है ना, हम लोग तुझे गाड़ी से तेरे घर छोड़ देते हैं और जो बाइक है यहीं पर रहन देते हैं, सुबह सुबह कोई ना कोई आके तेरा बाइक तेरे घर पर छोड़ आएगा, अभी चलते तुझे घर छोड़ गया, तेरी तबीयत भी खराब लग रही है, इसको फीवर भी आ गया था, अच्छा खासा फीवर आ गया था, बोलते चल तू घर चल, तू आराम करने की जरूरत है तुझे। इसके दोस्त लोग अपनी कार में बैठा के इसको घर पे ला के छोड़ते हैं। अब इसको लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, वो जो चुड़ैल मुझे दिखी थी, जो भी भूत थी, जो भी चीज़ें थी, वो सब शांत हो गई है। लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलत फहमी थी, सबसे बड़ी गलती थी, ये रात में मतलब सुबह सुबह जो आई थी 4:30 बजे 5 बजे करीब घर पे पहुँचे हुए, जितने बजे भी अपने घर पे आके सो जाती है क्योंकि रात भर सो ही नहीं थी। लेकिन जैसे इसकी आँख खुलती है, दोपहर का टाइम हो रहा होगा, दोपहर के टाइम इसकी आँख खुलती है
ये इसकी आंख एक स्मेल से खुलती है, बहुत ही गंदी स्मेल से, जैसे कुछ बहुत ही घटिया सा सड़ा हुई स्मेल हो। ये अचानक से आंख खुलती है और उठती है तो क्या पाती है, इसके बेड पे, इसके बाजू में बहुत सारी उल्टी पड़ी हुई है, जैसे किसी ने बहुत उल्टी करके रखा हो। और उसी की स्मेल इतनी ज्यादा गंदी आ रही है, उस पे ऐसे ऐसे खदर खदर कीड़े चल रहे हैं उस उल्टी के ऊपर, इतनी गंदी उल्टी है वो। वो जोर से चीखती है उल्टी को देख के, और जो बदबू है उसके खतरनाक मुंह दबाती है, और वहां से अपने बेड से उठती है बाहर भाग के जाने के लिए मम्मी के पास। लेकिन जैसे ये मम्मी के पास जाने के लिए सोचती है, ये क्या पाती है, इसके दरवाजे जो मेन डोर है जहाँ दरवाजा इसके रूम का, वहां पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है। दिन के दोपहर का टाइम में इसके घर में, इसके घर में खड़ी है। अब ये जोर से चीखने चिल्लाने लगती है बहुत ज्यादा कि मुझे छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, बहुत चिल्ला रही चीख रही है। तभी क्या पाते, उसकी मम्मी भागते उसके पास आती है। उसकी मम्मी पूछती है क्या हो गया, तुझे क्या हो गया, कुछ भी नहीं बता पाती है ये, बिल्कुल भी नहीं बता पाती है। इसके दोस्तों के पास की मम्मी फ़ोन करती है, क्या हो गया, जब से आई है ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है ये, अगर सोने के टाइम पे कुछ बड़बड़ा भी रही थी, कुछ सपना देख रही थी, क्या हो रहा था, और अभी ये चिल्ला रही है, पागल हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, कुछ तो हुआ है इसको। दोस्त लोग फिर इसकी मम्मी को सारी बात बताते हैं। इसका जो फीवर था ना, और हाई हो गया था, इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन मम्मी जब सुनती है कि ऐसा कुछ हुआ था, मम्मी सोचती है किसी को बुलाना चाहिए घर पे, क्योंकि वो नॉर्मल शक्ति तो नहीं हो सकते, है चिल्ला रही और पागल जैसी हरकत कर रही है, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। तो मम्मी उसकी एक पंडित जी को फ़ोन करती है, उनके पहचान के थे, उनको बुलाती है घर पे। पंडित जी आते से देखते से क्या बोल देते हैं कि ये कल रात को किसी बहुत बुरी शक्ति को फेस की है। मम्मी बोलती है आपको कैसे पता। पंडित जी बोलते हैं कि वो शक्ति मुझे अभी भी तुम्हारे घर में महसूस हो रही है, वो जो शक्ति है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मम्मी बोलती है कि क्या बात करो पंडित जी, कहाँ महसूस हो रही है। बोलती है कि इस घर में कुछ बहुत दबाव और बहुत भारीपन लग रहा है, अगर कुछ नेगेटिविटी रहती है ना तो समझ में आती है किसी घर में। तो पंडित जी बोलते हैं कि हमको थोड़ा सा पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। पंडित जी हवन हवन का सामान वन मंगवाते हैं और घर पर हवन करने के लिए बैठ जाते हैं, हवन हवन करते हैं। और जैसे पंडित जी हवन स्टार्ट करते हैं, जो अपनी ये थी विजेता, वो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत पजेस जैसे हरकत कर रही थी, ये चीखने चिल्लाने लगती है और चीखते हुए बोलती है कि तुम मुझे इस घर से कैसे निकालोगे, मैं कोई नॉर्मल छोटी मोटी प्रेत आत्मा नहीं हूँ, मैं हड़ की चुड़ैल हूँ, मुझे इस घर से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे ही पंडित जी सुनते हड़ की चुड़ैल, पंडित जी की आँखें बड़ी हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं कि कैसे नहीं निकलेगी तुम, कैसे नहीं निकलेगी तू भगवान से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, तू ताकतवर है लेकिन भगवान से ज़्यादा नहीं हो सकती। पंडित जी पूजा पाठ करवाते हैं, बहुत हवन करते हैं, चीखना चिल्लाना सब होता है, और ये 5-6 घंटे पूजा पाठ करने के बाद उनके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ धीरे से ख़त्म होती है और नॉर्मल होती है। पंडित जी बताते हैं इसकी मम्मी को, वो तो अच्छा हुआ आपने मुझे आज ही बुला लिया, अगर आप आज नहीं बुलाए होती तो शायद ही आपकी बेटी कल का सूरज देख पाती, क्योंकि हर की चुड़ैल इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। एक तो वो हर इंसान की शक्ल में दिखाई देती हैं, हर इंसान को, किसी इंसान देखिए उसको लगेगा वही है, उसको हर टाइम लगेगा अटैक करने आ रही है, और वैसी सिचुएशन में वो लड़की अपने साथ भी कुछ कर सकती थी, खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी, नुकसान पहुंचा सकती थी। हाँ बाप रे, फिर मतलब फाइनली ठीक हो पाया, और अभी विजेता बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है उसकी ज़िंदगी में। लेकिन उस रात को ना ही वो कभी भूल पाई, और उसके दोस्तों ने सुना था, ना ही उसके दोस्त लोग कभी भूल पाए हैं, कभी भूल भी नहीं सकते। और ऐसा भी हो सकता है विजेता को सारी बातें याद भी नहीं रही होगी, जब ये हड़ की चुड़ैल उसको पहली बार दिखी होगी, उसके बाद जब तक वो ठीक नहीं होगी। हाँ, उसको ये सब चीज़ें जो पजल्स होने वाली चीज़ें जो चिल्लाने चीखने की मम्मी ने बताया उसके, हाँ वही तो, वो अपने सेंस में होती तो ये सब हरकत थोड़ी करती, याद रहता ही नहीं है ऐसी सिचुएशन में, लोगों का दिमाग फिर जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। वही तो, क्योंकि मैंने भी किसी बहुत नज़दीकी से ये चीज़ सुना हुआ हूँ, कोई ट्रस्ट वर्दी मेरा है जिसने मुझे बताया, और याद नहीं रहती है जब ऐसा पोजेशन वाला सिचुएशन होती है, इंसान का दिमाग ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। वही तो। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद हमें विजेता ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी, तो हमने सोचे कि आप लोगों को सुनाएं और सतर्क करने की कोशिश करें कि रात बेरात आप ऐसे घर से बाहर निकले अकेले, उम्र कम है, और ख़ासकर लड़कियां हैं, तैयार हैं, बाल खुले हैं, परफ्यूम लगाई हो, सुंदर लग रही हो, तो सोच समझ के ही निकलो भाई, किसी की भी मदद 50 बार सोचने के बाद ही करो, क्योंकि आज की दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है,
हर मामलों में। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोग पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।